तो मैं बताता हूँ आपको चीज़ कौन कौन सी लेनी है। तो कॉपी किताब लो और लिखने लग जाओ, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि आप डाइट क्या लेना चाहिए आपको और कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए। तो भाई सीधी मैं चीज़ पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी बॉडी को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये मैं आपको नहीं बताऊँगा कि आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा ये लो या वो लो, प्रोटीन लो या फिर फ्रेश ऑयल लो, ये लो, मैं वो चीज़ नहीं बताऊँगा। वो आपके ऊपर है कि आप उसकी नीड कैसे पूरी करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है ऐसी चीज़ों की जो हमें फूड से मिलती हैं। देखो प्रोटीन, कार्ब्स, फैट। फैट दो टाइप के होते हैं, बैड फैट, गुड फैट। वो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि गुड फैट क्या होता है, बैड फैट क्या होता है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ होती है मल्टी विटामिन्स। मल्टी विटामिन्स में क्या है कि विटामिन्स की ज़रूरत होती है, अलग अलग विटामिन्स की ज़रूरत होती है जो हमें डेली में नहीं मिल पाती, और उसके लिए आपको डाइट भी थोड़ी महंगी पड़ती है। तो वो चीज़ आपको डायरेक्ट मेडिसिन से लेनी पड़ती है और उसकी अलग से गोली मतलब क्या बोलते हैं उसे, मेडिसिन आती हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जितना आप में वेट होता है, आप मेहनत करते हो, जितना आपका वेट होता है पहले तो आपको उतना ही प्रोटीन लेना पड़ेगा अपने वेट को मेंटेन करने के लिए। अगर आपको वेट बढ़ाना है तो उसे डबल प्रोटीन लेना पड़ेगा। जैसे कि मुझमें 70 kg वेट है तो मुझे डेली 75 g वेट चाहिए, सॉरी प्रोटीन चाहिए, ठीक है। तो प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ती है। कार्ब्स, अब कार्ब्स क्या होते हैं? देखो जो आपकी बॉडी में मसल्स होती हैं या मसल्स की ग्रोथ होती है उसमें कार्ब्स की बहुत नीड होती है, फैट की बहुत नीड होती है। क्योंकि अगर आप कार्ब्स नहीं लोगे, फैट नहीं लोगे तो आप में एनर्जी नहीं बचेगी। कार्ब्स और जो फैट होते हैं वो आपकी जो एनर्जी होती है उसको रिबूस्ट करने में मदद करती है आपकी, ठीक है। और अब आते हैं अपनी मल्टी विटामिन्स, मतलब विटामिन्स की तरफ। विटामिन्स क्या करती हैं, सीधा कर लें थोड़ा, विटामिन्स क्या करती हैं? क्योंकि विटामिन्स जो होती हैं वो आपकी जो मसल्स हैं उनको रिकवर करती है, उसके टिश्यूज होते हैं उनको दोबारा से रीजर्नेट होने में मदद करती हैं। तो विटामिन्स जो हैं वो हमको डेली के जो फूड होते हैं उनसे नहीं मिल पाती। तो आप क्या कर सकते हो कि आप मल्टी विटामिन्स की एक मतलब वो लेके आ सकते हो डिब्बी, जिसमें कम से कम 30 या 40 मेडिसिन आती हैं और वो आपको कम से कम पड़ेंगी 300 या 400 रुपये की, और उसमें से आपको डेली तीन तो लेनी लेनी है, ठीक है। तो हमको क्या रूटीन बनाना है और आपका जो डेली का रूटीन होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको रूटीन में क्या लेना है, तो उठते ही सबसे पहले आपको लेना है हल्दी वाटर। अब हल्दी वाटर आपने अगर मेरा व्लॉग देखा होगा तो आपको उसमें पता होगा हल्दी वाटर को क्यों लेते हैं। भाई जैसे कि आप जो दिन भर में जो डाइट वगैरह लेते हो तो उसमें वेस्टेज जो आपकी बॉडी में बच जाती है उसको निकालने के लिए बहुत ही यूज़ होता है वो हल्दी वाटर। और आपके अंदर जो भी, जैसे मेरे यहाँ पर लगी हुई है अभी चोट लगी है, तो इसको रिकवर होने में वो मदद करेगी, ठीक है। तो इन चीज़ों में बेस्ट होती है, आपके कहीं भी इन्फेक्शन वगैरह जैसे कि घाव हो जाता है वो सही नहीं होता, वो उससे रिकवर हो जाता है, तो इम्यूनिटी बूस्ट होती है उससे। तो सबसे पहले आपको खाली पेट सबसे पहले लेना है आपको हल्दी वाटर। अब आते हैं हम अपनी सेकेंड मील पर। तो जो बच्चे वेजिटेरियन हो, नॉन वेज नहीं हो, तो उनको मैं बताता हूँ कि आप या तो जो नॉन वेज हैं जो अंडे खाते हैं, अब तो ऐसी बात है कि हर कोई अंडा खाता है, तो अंडे में आपको सबसे पहले आमलेट बनानी है। आपको 4 अंडे की आमलेट बनानी है, उसमें से गुड फैट जो होता है, जो फैट ज़रूरी होता है उसमें गुड फैट होता है, पर आपको गुड फैट ज़्यादा नहीं लेना। 3 अंडों में से एक का एग वाइट लेना है, बाकी फुल अंडे लेने हैं, ठीक है। उसकी आमलेट बना के फिर उसके साथ लेना है आपको 3 रोस्टेड ब्रेड या 4 रोस्टेड ब्रेड ले सकते हो आप उसके साथ, और डेली आप सुबह में खा सकते हो आप, ठीक है, उसके साथ, ठीक है। तो ये होगी आपकी सबसे पहली मील। अब आते हैं आपकी सेकेंड मील पर। सेकेंड मील में आपको क्या करना है, आपको प्रोटीन या ओट्स लेने हैं, ठीक है। प्रोटीन रिकमेंड करता हूँ मैं आपको जो कि आपके बजट में आए। मैं आपसे नहीं कह रहा ये इतना महंगा लो, प्रोटीन जितने भी होते हैं सब रेगुलर काम करते हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि उनकी क्वालिटी अच्छी होगी तो आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेगा वो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 3 या 4 हज़ार रुपये तक का तो ले ही लें प्रोटीन, क्योंकि वो आपको बॉडी को हार्म नहीं करेगा और आपकी बॉडी हेल्थ सही रहेगी। और ओट्स जो हैं, ओट्स तो आप कौन से भी ले सकते हो, पर आप ऐसे सफोला ओट्स या ये मत लेना, क्योंकि ये जो चीज़ होती हैं ये चीज़ आपको जैसे सिंपल जो पर्सन होते हैं, जैसे कि मान लो हम डेली मतलब खाना खाते हैं उस तरीके का हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, या तो MB का मसल बेच का ले लो, वो आपको बेस्ट रहेगा, सस्ता भी पड़ेगा, आपके बजट में ही आ जाएगा। तो उसको क्या करना है, प्रोबेबली तो आपको प्रोटीन लेना है, प्रोटीन के साथ वाटर, और फिर उसमें ओट्स डालने आपको, क्योंकि प्रोटीन भी मिल जाएगा आपको और फिर आपको गुड फैट और कार्ब्स वगैरह विटामिन्स और मतलब बहुत फाइबर सबसे मेन चीज़ होती है फाइबर, वो आपको मिलेगा उसमें। तो ये आपकी हो जाएगी सेकेंड मील। अब आते हैं अपनी थर्ड मील पर। तो आपकी जो थर्ड मील होगी वो आपकी होगी उसमें आपका है गुड फैट। अब गुड फैट और बैड फैट में मैं अंतर बताऊंगा। देखो गुड फैट जो होता है वो घी में,
दूध में, और आपका बटर हो गया, चीज़ हो गया, आपकी इन चीज़ में गुड फैट पाया जाता है, ठीक है। पर आप वो जैसे कि जैसे आपका क्या बोलते हैं उसे, ऑयल होता है, फ्राइड ऑयल होता है, जिसमें आपकी कचौड़ियाँ पूड़ियाँ ये सारी चीज़ें मिलती है, तली हुई चीज़ें और मोमोज़ वगैरह ये चीज़ बनती हैं उस ऑयल में, वो होता है बैड फैट। तो बैड फैट आपको अवॉइड करना है बिल्कुल, घी, दूध, मक्खन, आप ये सारी चीज़ें खा सकते हो, ये गुड फैट होता है। और कबड्डी प्लेयर्स को तो ये ज़्यादातर लेना ही चाहिए अपने यूज़ में, ठीक है। तो हम आते हैं अपनी तीसरी जो मील है हमारी, उसमें क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, लेनी है उसमें रोटी, ठीक है। तो अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो आपको चने की रोटी ले सकते हो, बेसन की रोटी ले सकते हो, उसमें थोड़ा सा मतलब आप क्या बोलते हो उसे, थोड़ा पालक मिला सकते हो, या फिर उसमें थोड़ा जो क्या बोलते हैं मेथी वगैरह ये सारी चीज़ें मिला सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स जो भी आपको अच्छी लगे वो लगा सकते हो, ठीक है। वो रोटी हो गई आपकी, और ऐसे करके आपको रूटीन चेंज करते रहना, हर दिन एक ही तरीके की रोटी नहीं खानी। आप ऐसा कर, दो दिन ये रोटी, दो दिन ये रोटी, ये खा सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी सब्जी, सब्जी में क्या कि आपको दाल रेगुलर डेली लेनी है, रेगुलर दाल आपको लेनी लेनी है। और उसमें फिर एक सब्जी हो जाती है आपकी, अगर एक ही सब्जी हो रही तो एक ही कर लो, दाल ले सकते हो आप, और थोड़े से राइस लेने हैं आपको, ठीक है। राइस ज़रूरी है, वो आपको काप्स देंगे, आपको एनर्जी देंगे, ठीक है। अब इनके साथ आपको रायता या दही ज़रूर ज़रूर लेना है, ठीक है। रायता या दही आपको ज़रूर लेना है, वो आपको क्या करते हैं, क्रैम्प से बचाते हैं और आपको नींद आने में मदद करते हैं। जैसे किसी को नींद नहीं आती, ठीक है, वर्कआउट भी कर रहा हो फिर उसके बाद भी नींद नहीं आ रही है, तो आपको क्या करता है, वो आराम पहुँचाता है और आपको नींद आने में मदद करता है, इससे आप 8 घंटे की नींद आप ले सकते हो, ठीक है। और प्लस आपको सैलेड ज़रूर लेना है, मैं नहीं कह रहा आपको ये सैलेड लेना ये महंगा पड़ रहा है, जो आपके बजट में आ रहा हो। जैसे कि सैलेड में प्याज होती है, आपका खीरा वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें ले सकते हो भाई। तो ये आपकी होगी थर्ड मील। अब आते हैं वर्कआउट करने के भाई। तो भाई जो मैंने आपको प्रोटीन और ओट्स बताया था, वो आपको वर्कआउट से 2 घंटे पहले लेना है। अब मैं सुबह 8 बजे वर्कआउट करने क्यों आता हूँ, क्योंकि भाई मैं अगर सुबह जगता हूँ 5 बजे तो 5 बजे में मैं उठ के नहीं आ सकता, तो मैं उठता हूँ आपका 6 बजे, तो 6 बजे उठ के सबसे पहले मैं प्रोटीन लेता हूँ, प्रोटीन लेके फिर सो जाता हूँ, फिर उसके बाद क्या होता है वो मेरे में डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। उसमें टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में, 2 घंटे 1.5 घंटे पहले आपको वो चीज़ लेनी है, उसके बाद वर्कआउट करना है। अब वर्कआउट के बाद आपको क्या खाना है, वर्कआउट के बाद आप क्या तो मील्स ले सकते हो, पर मैं आपको मील रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि सब आप घर से रहते हो, गांव में रहते हो, तो उसमें आप नहीं कर सकते उस चीज़ को एडिट। तो आप सबको पहले क्या करना है, जो मैंने पहले बताया आपको, ओट्स और प्रोटीन, उसके बाद तुरंत बाद जब आप वर्कआउट ख़त्म करके आओ तो तुरंत बाद वो चीज़ लेनी है आपको, वो आपको प्रोटीन को मतलब जल्दी रिकवर करेगी आपकी बॉडी को, और आपकी बॉडी में गेन अपने आप दिखेगा। और जितना हो सके उतना ज़्यादा आराम करो, कहीं मत जाओ, आराम करो वर्कआउट के बाद, आराम करो, और जो भी चीज़ करनी है, काम करनी है, मतलब अपने शरीर को रेस्ट दो, क्योंकि अगर आपके शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा तो आपकी मसल्स जो पहले से ही टूटी हुई हैं वो और टूटती जाएंगी, फिर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपकी डाइट पूरी बेकार जाएगी। तो रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, आपको दिन में 8 घंटे की नींद लेनी लेनी है। अब आते हैं हम आपकी शाम की डाइट पे। तो भाई शाम की डाइट में तो आपका सीन ये है कि शाम को लेना है आपको कम चीज़ें लेनी है। अब कम चीज़ें भाई इस जगह पे क्या है, यही चीज़ मेन होती है कि बॉडी नहीं बनती। देखो सबसे पहले रिकमेंड करूँगा मैं आपको रात को, आप शाम को खा सकते हो फल, ठीक है, आप शाम को फल खा सकते हो, लेकिन रात को ना तो आपको काप्स लेने हैं, काप्स में चावल हो गए, रात को आपको चावल नहीं खाने हैं बिल्कुल, आपको रात में चावल नहीं खाने हैं। आप शाम को खा सकते हो, दोपहर में खा सकते हो, पर 7 बजे के बाद आपको ना तो चावल खाने, ना कोई फ्रूट्स खाना है, ठीक है। ये आप क्या होते हैं, इसमें काप्स जो होती है वो आपको एनर्जी देती है, अगर आपको वो एनर्जी नहीं देती तो आपको फैट के रूप में काप्स क्या बोलते हैं उसे, आपके फैट के रूप में वो आ जाती है आपके शरीर में, ठीक है, वो आपके फिर कोई काम नहीं आती, वो यूज़ में आती जबी कि जब आप वर्कआउट कर रहे हो। रात को कौन वर्कआउट कर रहा है, रात को सब सोते ही हैं एग्जैक्टली, तो आपको कम ही खाना है रात को। आपको जैसे नॉर्मल रोटी सब्जी होती है उसमें, पर आपको एक चीज़ करनी है, जो भी आपकी सब्जी है वो आप घी में बनाओ, घी पेल के खाओ, दूध पियो जितना हो सके, दूध जितना हो ना उतना पियो भाई, दूध एक बहुत बढ़िया चीज़ है देसी लाइफ के लिए। तो अब आपको सामान क्या लाना है भाई, अब बोल रहे होंगे कि भाई हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, आप क्या बोल रहे हो, आपको कहाँ से लेना है, तो मैं बताता हूँ आपको चीज़ कौन कौन सी लेनी है। तो कॉपी किताब लो और लिखने लग जाओ, ठीक है। सबसे पहले आपको लेना है प्रोटीन, आपको जिस जौन सी भी कंपनी का ले सकते हो, जो आपके बजट में हो वो ले लो, ठीक है। अब आते हैं फिश ऑयल आपका क्या करता है, फिश ऑयल आपकी जो बाहर की जो स्किन वगैरह होती है उनको साफ रखती है, जैसे कि फुंसियाँ वगैरह नहीं होने देती, और आपकी जो डेड सेल्स होते हैं उनको निकाल देता है। फिश ऑयल आपकी बॉडी पे शाइनिंग रखता है, जिससे आपकी बॉडी अच्छी लगे भाई, अंदर से नहीं बाहर से भी अच्छी होनी चाहिए बॉडी, तो फिश ऑयल उसमें मदद करता है, ठीक है।
और अब फिर फिश ऑयल के बाद लेनी है आपको मल्टी विटामिन्स। एक चीज़ मल्टी विटामिन्स जो होती है वो भी आपको मिल जाएगी जहाँ से ये सारी चीज़ें लोगे ना आप। एक चीज़ लोगे प्रोटीन, जिस दुकान पे से लोगे ना वहीं से शॉप पे से मिल जाएगी आपको, तो मल्टी विटामिन्स लेनी है। चौथी चीज़ आती है आपकी ग्लूटामाइन। भाई सारे एथलीट्स हैं, जितने भी एथलीट्स हैं सारे ग्लूटामाइन लेते हैं। ग्लूटामाइन क्या होता है कि वो आपकी मसल्स को रिकवर कर देता है। जो मल्टी विटामिन जो हमारी सारी चीज़ें लेते हैं उनसे रिकवर नहीं होता, वो मल्टी विटामिन रिकवर कर देता है, आपको पेन नहीं होने देता, ठीक है। ये ग्लूटामाइन बहुत ही मेन चीज़ है आपके लिए, ग्लूटामाइन आपको इसमें ज़रूर लेना चाहिए। अब आते हैं हम पांचवी चीज़, वो है आपका पीनट बटर। भाई पीनट बटर आपको लेना ही लेना है, क्योंकि पीनट बटर जो होता है वो आपको बहुत ही एनर्जी देता है। फाइबर होता है उसमें, कार्ब्स भी होते हैं, फैट भी होता है, प्रोटीन सबसे मेन चीज़ होती है प्रोटीन। भाई प्रोटीन आप जितना ले सकते हो उतना फ़ायदेमंद में रहोगे, ठीक है, जितना उतने फ़ायदा रहेगा आपके जितना प्रोटीन ले लोगे आप। अब इनको यूज़ में कैसे लेना है, भाई मल्टी विटामिन्स है वो आपको दिन में 3 बार लेनी है, फिश ऑयल आपको वो दिन में 2 बार लेना है, और एक आपको लेनी है कैल्शियम की गोली। वो कैल्शियम की गोली आपको नॉर्मल मत लेना, मैं अभी बता रहा हूँ, मेडिकल से बिल्कुल मत लेना, वो आपको जो आपकी किडनी है उनमें थोड़ी दिक्कत लाएगी, तो आपको कैल्शियम मेडिकल से नहीं लेना। आपको रिकमेंड करना है किसी शॉप पे से, जो जहाँ पे सप्लीमेंट वगैरह की शॉप हो वहाँ पे जाके रिकमेंड करेगा आपको वो बंदा, और उससे पूछना कि भाई इसमें जो क्या बोलते हैं मरकरी की मात्रा ज़्यादा तो नहीं है। उसमें क्या होता है कि मरकरी की जो चीज़ होती है वो आके आपकी किडनियों में जम जाती है, फिर आपकी दिक्कत हो जाती है, तो आपको जाके रिकमेंड करवाना है उससे। मेडिकल से बिल्कुल मत लेना, ये गलती बिल्कुल मत करना कि मेडिकल से आप लो, ठीक है, तो उसमें आप चेक करवा लेना भैया से कि भैया इसमें मरकरी की मात्रा ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। अब ये चीज़ जहाँ से क्लियर होती है तो देखो अब आपको कैसे लेनी है मल्टी विटामिन। भाई देखो मल्टी विटामिन सुबह आपको लेनी है, मल्टी विटामिन सर एक फिश ऑयल लेना है, बीच में दोपहर में एक मल्टी विटामिन ले, उसके साथ फिश ऑयल नहीं लेना है, फिर एक शाम को मल्टी विटामिन लेनी है उसके साथ एक फिश ऑयल लेना है, 2 फिश ऑयल हो गए, 3 मल्टी विटामिन हो गई। अब आपको रात को जब सोते टाइम दूध के साथ आपको लेनी है कैल्शियम की गोली, जो आपको रिकमेंड करेगा सप्लीमेंट वाला, ठीक है, वो रिकमेंड करेगा, वो आपको चीज़ लेनी लेनी है, ठीक है। प्रोटीन हो गया, प्रोटीन आपको 1 kg ले लो, आधा केजी ले लो, जितना आपकी कैपेसिटी, आप जितना आपका बजट है वो चीज़ आप ले सकते हो। मैं आपसे नहीं बोला कि भाई महंगा लो, जितना आपके बजट में आता है उतना लो। और मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, वो मेन चीज़ होती है, और सबसे पहले आता है आपका रेस्ट और आपकी डाइट, ठीक है। वर्कआउट तो आप कर ही रहे हो, आपको रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा, डाइट या रेस्ट नहीं लोगे तो आपको बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई दिक्कत आ रही हो और भी कोई कुछ चीज़ पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, भर दो जाके कमेंट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी चैनल पर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय।